हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट खेलेंगे, एंड फिर से जो सर्वाइवल सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसी को आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मालूम है मुझे बहुत ज़्यादा लेट ला रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इधर वीडियोस बनाने में इशूज हो रहे थे मेरे को, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट आ गए हम एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं अपने लिए कुछ स्टार्टर फॉर्म्स बनाने वाला हूँ। तो उसमें पहला स्टार्टर फॉर्म होगा वीट फॉर्म, दूसरा फॉर्म होगा हमारा विलेजर ब्रीडिंग का फॉर्म होगा, एंड तीसरा फॉर्म होगा एक काउ फॉर्म। तो लव फटाफट से हम तीनों स्टार्टर फॉर्म बनाना अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले वीट फॉर्म से स्टार्ट करूँगा। तो लो बनाते हैं वीट फॉर्म हम अपने लिए। तो वीट फॉर्म बनाने के लिए जो है सबसे पहले हमें चाहिए होगी हो, तो यहाँ पे एक आयरन की हो बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे वीट फार्म बनाने के लिए जो मुझे चाहिए थे वीट सीड्स, यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके रख लिए हैं ये 64 वीट सीड्स। एंड अब मुझे जो चाहिए थे वो है एक एरिया। तो एरिया देखते हैं कहाँ पे हम वो फार्म बनाएंगे अपने लिए। तो वीट फार्म मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक गड्ढा खोद देते हैं बीच में, एंड इसमें जो है एक वाटर बकेट ला के डाल देते हैं फटाफट से। अब इसके चारों साइड जो है चार चार ब्लॉक्स का वो मार देते हैं, 1 2 3 4। तो इसी तरह पूरा चारों साइड पूरा कवर कर देते हैं, जैसा नॉर्मली हमारा फॉर्म बनता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, अब इनमें वीट सीड्स डाल देते हैं। इतना एरिया छोड़ के बाकी पूरे प्लेटफॉर्म पे मैंने भर दिए हैं सीट्स। तो ये रेडी तो हो चुका है लगभग, बट इसको मेरे को ऑटोमेटिक बनाना था। तो उसके लिए मुझे स्लाइम्स चाहिए थे जो मेरे पे है नहीं, बाकी इन फ्यूचर स्लाइम्स मिलेंगे तो इसको मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा। वीट फॉर्म मैंने बना लिया, अब यहाँ पे क्या करता हूँ एक काउ फॉर्म बना लेता हूँ। काउ फॉर्म मेरा इतना रेडी हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ 50% या 80% तक काम हो चुका है। बस मेरे को 6 ग्लोस्टोन डस्ट एंड क्वार्ट्ज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे को उनकी ज़रूरत है। तो वो जो रुइंड पोर्टल है उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, नेदर में जाते और वहाँ से ग्लोस्टोन डस्ट एंड क्वार्ट्ज लेके आता हूँ, और फिर काम पूरा कर लेते हैं। वाह भाई, क्या ओपनिंग मिली है, बहुत बढ़िया, एकदम लावा पूल के ऊपर ओपन किया, बहुत सही। 1 इंच भी हिला होता ना तो गया था मैं यहाँ पे भी। ओह बहुत जल्दी ही अचीवमेंट दे दी तुमने। और 10 दिन लगा लेते अचीवमेंट देने में। नेदर से मुझे जो है ग्लोस्टोन एंड क्वार्ट्ज चाहिए थे, वो मैं लेके आ गया हूँ। तो लव फटाफट से इसका जो फाइनल काम है वो कंप्लीट कर देते हैं। सो
गाइस यहाँ पे हमारा काउ फॉर्म रेडी हो चुका है, ये वर्किंग भी है। आप चाहो तो अपने वर्ल्ड में भी बना सकते हो ये काउ फॉर्म। तो अब क्या करते हैं, अब अपना विलेजर ब्रीडिंग फार्म बनाते हैं फटाफट से। और आइटम ऐसे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं सारी चीज़ों की, तो फटाफट से बना लेते हैं। और वो विलेजर ब्रीडिंग फार्म मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ, ये यहाँ पे बनाते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने वीट फार्म, काउ फार्म, विलेजर ब्रीडिंग फार्म, तीनों फार्म जो मुझे बनाने थे आज के वीडियो में वो मैंने बना लिया है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है फटाफट से कमेंट में बता दीजिएगा। और मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।